दोस्तों आज हम कुछ ऐसे इल्यूजन्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि अरे भाई ये क्या दिखा दिया। इल्यूजन नंबर वन, इनमें से कौन सा सर्कल बड़ा है? इस इमेज में आप दो सर्कल देख रहे होंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि इन दोनों सर्कल्स में से कौन सा ज्यादा बड़ा है? क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है या दोनों सेम है? आपको 5 सेकंड्स में आंसर देना है। Your time starts now. ये बड़ा है, right long. असल में दोनों सर्कल का साइज सेम है, पर इसके आसपास के फिगर्स के चलते आपका दिमाग इसके सही साइज को नहीं भाप पाता। लेफ्ट वाली इमेज में साइड वाली इमेजेस बड़ी हैं, इसके चलते यह सर्कल छोटा लगता है, और राइट वाली इमेज में बाहर वाले सर्कल्स छोटे हैं, इसलिए यह सर्कल बड़ा लगता है, पर असल में दोनों सर्कल का साइज सेम है ना अमेजिंग, इजंट इट? यह एक कैसा इमेज है? नेगेटिव, राइट? इस लड़की की कलर इमेज आपने आज तक नहीं देखी, राइट? पर क्या हो अगर मैं आपको बोलूं इस लड़की की इसी इमेज को देखने के बाद आपका दिमाग इसे कलरफुल कर देगा? बिलीव नहीं हो रहा होगा ना। तो आप इस इमेज को 25 सेकंड तक देखो। इसके नाक पर एक डॉट है यहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको कहूंगा जब आप इस साइड में जो व्हाइट स्पेस है इसमें कहीं पर भी आप देखना बिना पलक झपकाए। जब आप इस लड़की की नाक पर देख रहे होंगे उस टाइम आप पलक झपका सकते हो, और उसके बाद जब व्हाइट स्पेस को देखो जब आप पलक मत झपकाना। रेडी, 1 2 3 4 5। चलो अब साइड में व्हाइट स्पेस को देखो, कहीं भी एक जगह बिना पलक झपकाए। 1 2 3 4 5। लड़की दिखी ना, और वो भी कलरफुल। दिमाग ब्लैक एंड व्हाइट को भी कलर में बदल सकता है। वाओ, इस इमेज को देखो, अजीब सा कलर है ना, राइट? अब इसके बीच में जो काला डॉट है यहाँ पर देखते रहो, और हाँ नजर मत हटाना जब तक मैं ना कहूँ, चाहे इमेज में कुछ भी दिखे आप उसी डॉट को देखते रहना। ओके, रेडी? काले डॉट को देखते हुए आपको सब कुछ कलरफुल दिख रहा होगा, पर नॉर्मल आकर के देखो ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। जब आपका फोकस ब्लैक डॉट पर था जब आपको सब कुछ कलर दिख रहा था, है ना गजब, राइट? दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।